लखीमपुर में किसानों पर गाड़ी चढ़ाए जाने के बाद से किसानों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है। इस हिंसक घटना में 8 लोगों की मौत से प्रदेश भर में बवाल जारी है। किसान संगठनों का गुस्सा 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। हर तरफ धरना प्रदर्शन कर रोष जाहिर किया जा रहा है। ये चरखी दादरी का नजारा है। तस्वीरें देखकर आप खुद अंदाजा लगा लीजिए कि किसानों में कितना गुस्सा होगा। प्रदर्शन करने के लिए किसान संगठन जब लघु सचिवालय पहुंचे, तो वहां बैरिकेड लगे हुए थे। किसानों ने बिना कुछ सोचे समझे बैरिकेड तोड़कर उपायुक्त कार्यालय में प्रवेश किया और धरना दिया। इस दौरान किसानों के साथ और भी सामाजिक संगठन भी शामिल हुए। जो लखीमपुर में घटना घटी और एक माननीय मुख्यमंत्री ने जो शपथ जो कहे, एक धन्यवाद आदमी सरदार इकट्ठे हुए तमाम रहने चले थे किसान भाई बरादरी डीसी साहब को डीसी द्वारा राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति के लिए ज्ञापन पहुँचाने का काम आज कर रहे हैं। आशा करते हैं कि महामहिम राष्ट्रपति जी जैसे खिलाफ एक्शन लेंगे, उस मंत्री को बर्खास्त करने का काम, गलत काम करने वाला चाहे कोई हो, अगर कोई कानून के खिलाफ कोई काम करता है तो जो है उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और उसको कनेक्ट करा देना चाहिए। और ये कहना चाहता हूँ किसान भाइयों से, लगे रहो, सरकार में झुकना पड़ेगा, तीन कान वापस हो गए, हमें सरकार को देनी पड़ेगी। आज जैसा कि लखीमपुर में जो घटना हुई थी, हमारे जो अनुशासन में रह के शांति से किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, उन किसान भाइयों के ऊपर एक सरकार के मंत्री की बेटी ने निर्ममता से उनकी हत्या कर दी, गोलियां भी चलाई हैं उसने। तो भाई जैसे कि संयुक्त किसान मोर्चा का आदेश आया था कि भाई पूरा हरियाणा के अंदर हर जिला हेडक्वार्टर में डीसी साहब के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा और इन नेताओं की भाई ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति साहब के नाम डीसी साहब के माध्यम से। तो हमने भाई आज वो ज्ञापन दिया है और उसमें मांग की है कि भाई जल्द से जल्द उनके ऊपर FIR दर्ज हो, जान से मारने की जैसे उनका मुकदमा दर्ज हो के 302 उनको अंदर किया जाए, जितने भी उसके साथी थे, वो नेता था उसके ऊपर भी भाई एक स्पेशल भाई SIT बना के कोई उसके उससे जांच करवाई जाए। और हमारे जो किसान भाई जो भगवान को प्यारे हो गए, सरकार भाई उनको आर्थिक मदद भी करे और भाई उनको शहीदों का दर्जा दे और भाई उनके परिवार से नौकरी दे। दरअसल यूपी के लखीमपुर खीरी में झड़प के दौरान गाड़ी की टक्कर से किसानों की मौत हो गई, जिसके बाद किसानों ने भारी हंगामा किया। लखीमपुर की घटना के बाद किसान नेताओं ने योगी सरकार पर हमला बोला। किसान नेताओं ने मांग की है कि किसानों की हत्या के दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। चरखी दादरी से नरेंद्र कुमार, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।